देखिए ऐसा है कि एक ऑपरेशन बड़ा लॉन्च किया था नारायणपुर पुलिस ने, और करीब दो दिन चलने के बाद ऑपरेशन कल समाप्त हुआ, और उसके बाद फोर्स अपनी अपनी जगह पर वापस जा रहा था। उसके बाद ये एक आईडी ब्लास्ट किया गया और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, कुछ लोग घायल हुए हैं। तो कुल मिला के घटना यूँ थी। सर आपने मीटिंग भी अभी शेयर की, सर क्या निकल गया है, क्या कहाँ चूक हुई, कहाँ? देखिए चूक नहीं है, इसे मैं कोई किसी तरह की चूक नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऑपरेशंस लगातार जो पल्ली बारसूर रोड है, ये हम लोगों ने इसको बहुत चैलेंज था, ये बरसों से बंद था, और पल्ली बारसूर रोड में कड़ेमेटा कन्हर गांव ऐसे करते करते बोदली बहुत सारे कैंप्स लगाए गए हैं, और उस रोड के बनने का काम चल रहा है। वहाँ पे लगातार ऑपरेशंस हुए हैं और माओवादियों ने कई बार वहाँ चैलेंज किया, आप जानते ही हैं, कई बार इसके पहले भी गोलीबारी हुई है बोदली में। तो ये ऑपरेशंस माड़ में भेजा गया था और उसको वापस लोगों को उधर जाना था, अपने कन्हर गांव और बीच के स्पॉट पे जो करीब 40 पुलियां हैं उस रास्ते पर। और ये अमूमन फोर्स ऐसे ही मूव करता है, जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, 3 दिन से थका रहता है, तो वो अपनी बस में बैठ के ही जाता है। तो ऐसा कोई चूक नहीं है। अब ये आगे जाके इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्स जब वापस जाती है तो फिर जहाँ तक उसे जाना है वहाँ तक भी किया जाए। हालांकि इसमें आरोपी लगी थी और पूरी डिमाइनिंग हुई थी, इसके बाद भी घटना घटी है, तो ये और अलर्ट करने वाली बात। जो डिटेक्ट नहीं हो पाई आईडी से, 3 आईडी बता रहे हैं कि 3 आईडी साथ में लगी हुई थी और करीब 30 से 40 किलो वजन। देखिए कई बार DSMD जो कार्बन से लपेटी रहती है उसको देख करके, उसमें जब बहुत डीप सर्च, अगर मेटल डिटेक्टर जो हमारे पास है उसमें कई बार अंदर तक का हम डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ये टेक्निकल लिमिटेशन है हर इक्विपमेंट की, और आरोपी भी थी, मैंने ITBP के अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने भी किया हुआ था, लेकिन वो रात में भी लगाई जा सकती है आईडी जब फोर्स नहीं लगा था, और सुबह वो कार्बन से लपेटा हुआ वायर था, नज़र नहीं आया होगा, ये ह्यूमन एरर है। लेकिन इसको सावधानी बरतने के लिए मैंने अभी पुलिस अधीक्षक को और IG को कहा है कि आगे के ऑपरेशंस में पर्याप्त सावधानी बरती जाए। सर ऑपरेशंस और तेज होंगे और इसके बाद ढूंढाई मचेगी कि किसने कौन था। मैंने उन्हें कहा है कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, विशेष टीम बना करके SP साहब इन्वेस्टिगेशन करें कि किन लोगों ने इस, मतलब ठीक है माओवादी तो हैं लेकिन जो उनके कुछ लोग आगे आके ये करते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें देखा जाए कि कौन आरोपी हैं, नंबर एक। और ऑपरेशंस जो है चलाए जाएं और उसमें काफ़ी सजगता से और काफ़ी केयर का ध्यान रखते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सक्षमता के साथ चलाए जाएं, ये निर्देश मैंने दिए। सर लास्ट क्वेश्चन, सर DRG को लगातार टारगेट किया जा रहा है, सर अभी हाल ही में मिनपा में भी हुआ, मिनपा के बाद भी अभी भी सिर्फ DRG ही? देखिए हमारी DRG जो है 2016 से जब से DRG बनी है और उसकी वरांगटे में ट्रेनिंग कराई गई है, उसके बाद उसने 3-4 सालों में DRG और STF ने मिलकर स्टेट पुलिस में कई बड़े ऑपरेशंस किए और सफलता पाई है। तो निश्चित रूप से एक फॉर्मिडेबल फोर्स को हमेशा चैलेंज करने की बात तो रहेगी, लेकिन ठीक है उसकी आगे से इनको ध्यान रखेंगे। और अभी आज पुलिस अधीक्षक नारायणपुर से चर्चा हुई है, अन्य जिलों में भी जा करके मीटिंग ले करके, और उन्हें भी इस तरह के खतरों से आगाह करेंगे और ऑपरेशंस सावधानीपूर्वक किए जाएँ, सुरक्षा के साथ किए जाएँ, ये ज़रूरी है।